सबकी बेस्ट है। देखो लोग एक एक साल तक पढ़ाई करते हैं, लोग छः छः महीने पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चा जो सिर्फ एक महीने पढ़ा है वो बेटर परफॉर्म कर गया है उन लोगों से। तो दैट कैन ओनली हैपन इफ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट वन मंथ। मतलब वन मंथ भी नहीं है, थ्री एंड हाफ वीक्स। मेरा नाम कृति बनागर है, मैंने अपना बीएलबी एनआई भोपाल से कर रखा है, मास्टर्स डिग्री गुजरात से कर रखा है, एंड आई वाज क्लियर डिसीजन मैं क्लाइन इंडिया रैंक वाज सीजन 9 एनके फ्लैट इन 2014 और मैं एक प्लस सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ। अगर आप मुझसे कोई भी लॉ समर कैंप अटेंड करना चाहते हैं तो 2 डेज का एक्स्ट्रावेगेंजा है इंटर स्कूल लर्निंग एंड फन के लिए May 27th and 28th को दिल्ली में। ये फ्री रजिस्ट्रेशन अगर आप इसमें करना चाहते हो आप कर सकते हो। डे वन को JVST गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में है तो आप इसे अटेंड करना चाहते हो आप अटेंड कर सकते हैं। डे टू May 28th को अन अकेडमी एक्सपीरियंस स्टोर दिल्ली में है, आप इसे अटेंड करना चाहते हो इसे भी अटेंड कर सकते हैं। अन अकेडमी का अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल नोट्स चाहिए तो 6 months and 1 के आप फिजिकल नोट्स पा सकते हैं अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं May 23 से 27 तक। वैसे प्लस सब्सक्रिप्शन पर नहीं मिलता है, आइकॉनिक पर मिलते हैं नोट्स, बट ये ऑफर चल रहा है अगर आप May 27 तक प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई का साल अच्छा लगता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो विच इज कृति 20, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इट मील नॉट टू मी कि आपने मेरा कोड यूज किया। वन मंथ का अगर आप मुझे कोई प्लस स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्राइस दे रखा है 5,000 rupees प्राइस है, 30 डेडिकेटेड रिविजन आवर्स मिलेंगे, 3 प्रैक्टिस AIMD मिलेगी। तो इसमें आप कृति 20 कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए एंड इट मील नॉट टू मी कि आपने मेरा कोड यूज किया। थैंक यू सो मच गाइस। क्लैट का प्लस प्रोग्राम भी अवेलेबल है और आइकॉनिक भी अवेलेबल है। प्लस में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस मिल जाते हैं। आइकॉनिक में आपको ये सब चीजें तो मिलती है, इसके साथ मिलती है आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लास में। एक बार अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी बैचेस अन अकेडमी पे अवेलेबल है वो सारे बैचेस से सकते हो। NLU स्टीम रिविजन बैच है क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए एलुमनाई के द्वारा, ये May 20th को शुरू होता है, आप इसमें नो का जैसे इसमें कर सकते हो। NLU रोड मैप एक्सेलेंस बैच है क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए May 20th को शुरू होता है, आप इसको भी इसमें नो का जैसे इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मिशन NLU एक्सेलेंस बैच है क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए May 25th को शुरू होता है, आप इसको भी अगर इसमें नो का जैसे इसमें भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मैराथन स्पेशल क्लास सीरीज है ताकि आपको सारी के सारी करंट अफेयर्स की बातें पता चलती रहे। राघवेंद्र की क्लास May 26th को है, दिव्यसा की क्लास May 27th को है। फ्री क्लासेस होती है अकेडमी ऐप पे, सर्च क्लास के न्यूमरल फीचर्स होते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होते हैं लर्नर्स के लिए, आप रेज हैंड कर सकते हो, नेवर मिस क्लास, लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और कहीं से कभी भी क्लास का एक्सेस कर सकते हो। तो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती है, आइकॉनिक क्लासेस पेड क्लासेस होती है। आपको जो भी अटेंड करनी हो आप अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सबसे जो कि सब बच्चों की प्रॉब्लम है, मतलब मैंने तो जितने बच्चों से बात की है सबकी प्रॉब्लम है, मैम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बाय दैट, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। एंड आई गेट इट, सबको लगता है आप अकेले नहीं हो। आप सोचो, मैं तो ये कह रही हूँ कि सब मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं, एवरी वन इज सेइंग द सेम थिंग टू मी कि मैम बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मैम, एंजाइटी हो रही है मैम, नींद नहीं आ रही मैम, खाना खाते नहीं बन रहा मैम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा मैम, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। एंड आई गेट इट एंड दैट इज फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट आपका डर और आपकी एंजाइटी दोनों ही नॉर्मल है, दोनों ही वैलिड है। कोई ऐसी बहुत कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है अगर आपको डर लग रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डर लग रहा है मतलब आप वो चीज़ पाना चाहते हो, मतलब आप उस चीज़ को खोना नहीं चाहते। हमें किन चीज़ों का डर कब होता है, जब हम उन्हें खोना नहीं चाहते। तो डर लगना लाजमी है, सबको डर लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी पर्सन का अगर अगले महीने एग्जाम होगा तो उसको डर लगता है, उसको लगता है कि उसका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड करो कि हैविंग सच थॉट्स इज वैलिड, ठीक है। अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो ये वैलिड है और इसमें आपको कोई ये नहीं बोल सकता तू क्यों डर रहा है बे, ऐसे क्या बड़ी बात हो गई, पेपर ही तो है, क्या हो जाएगा। भाई मेरे को लग रहा है डर क्योंकि मेरा एग्जाम है, मैं सीरियस था एग्जाम के लिए, मैंने अपना 100% प्रिपरेशन दिया है और मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा तो मुझे डर लग रहा है, एंड दैट इज ओके, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट इट, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालें। देखो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ओवरथिंक करते हो तो वो चीज़ उतनी बड़ी बन जाती है आपके हेड में जितनी बड़ी वो शायद एक्चुअलिटी में हो या ना हो, वी कांट रियली से। सो टू टैकल सच सिचुएशंस जहाँ पे आप अपनी थिंकिंग रोक ही नहीं पा रहे, एक तो सोल्यूशन हो सकता है कि भाई देखो मतलब
ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एक एग्ज़ाम है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ और बेटर होगा, हमें नहीं पता व्हाट लाइफ थ्रोज एट अस, ठीक है, हम कहाँ जा सकते हैं और हमारी कितनी पोटेंशियल है। तो हमें नहीं पता कि ये रिजल्ट जो आएगा इससे हमारी आगे की लाइफ कितनी फॉर्म हो सकती है, कितनी फॉर्म नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे NLU जाते हैं बट उनका फ्यूचर वहाँ पर अच्छा नहीं बन पाता, बहुत सारे बच्चे NLU नहीं जाते बट उनका फिर भी फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। तो इट्स नेवर अबाउट एन एग्जाम, ऑफकोर्स इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम और बहुत अच्छी बात है अगर आपको 5 साल अच्छा कॉलेज मिल गया, बट इट्स नेवर द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ कमिंग टू अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी कि अभी ना आप सबसे पहले बैठ के क्या करो, नेक्स्ट 3 वीक्स आप क्या करने वाले हो, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स, आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। आप आज क्या क्या पढ़ोगे, पिक अप अ बुक। आज आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो आज आपने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अपनी टू डू लिस्ट बनाया करो और उस टू डू लिस्ट को उठाओ कि आज तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेग्लिजेंस कंप्लीट करना था लीगल रीजनिंग में, मुझे CA के रिविजन करनी थी जनवरी के CA के, मुझे 2 passage-based questions प्रैक्टिस करने थे CR के और मुझे 1 passage-based क्वेश्चन करना था मैथ्स का। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट थी। तुम उठा के देखो कि तुमने ये कितनी कंप्लीट की है, कितनी कंप्लीट नहीं की है। आपको सबसे ज़रूरी काम करना है कि आप अपना ध्यान भटकाना शुरू कर दो, ठीक है। सो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टॉपिक नहीं कर रखा तो मैं क्या करूँगी, अपने नोट्स उठाऊंगी, जिनकी भी मैं क्लासेस सुनती हूँ उनकी क्लासेस उठाऊंगी और वो काम करना शुरू कर दूंगी। कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई और चीज़ ढूंढ लेनी है, फाइंड समथिंग एल्स जहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो। आपने कभी देखा होगा जब किसी पर्सन को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर मेडिकल प्रोसीजर के अंदर, तो उसके हाथ पे ना नुकीली चीज़ रखी जाती है, मतलब ऐसे ऐसे घुसाई नहीं जाती, घोपा नहीं जाता, ऐसे रख दिया जाता है। पता है ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो इंसान इस पेन के बारे में सोच के उस पर्टिकुलर मेडिकल प्रोसीजर के पेन को भूल जाए जो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंड्योरिंग नहीं है। सेम थिंग हैपन्स वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है, आप ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, आपको डर ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे मोमेंट्स में ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप किसी और चीज़ पर फोकस करने के लिए लेके आओ, ठीक है। ऑल्सो मैंने हमेशा बोला है क्लैट उन बच्चों का ज़रूर देखो, आपकी मदद लोग तभी करते हैं जब आप खुद की मदद करते हो। ऑलवेज रिमेंबर कि नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, वेर एवर यू हैव टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ। जब तक आप 0 से 1 पे जा रहे हो, 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, आपकी लाइफ सेट है। कहीं पे भी हो लाइफ प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ईच डे मस्ट बी बेटर देन द लास्ट डे, मतलब यू नीड टू हैव समथिंग, आज मैंने ये किया भाई, आज मैं कल से बेहतर था, ठीक है। सो जब तक आप प्रोडक्टिव रूटीन फॉलो कर रहे हो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और फोकस चैनलाइज करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव ढूंढो और उस पर अपना फोकस लेके आओ, रैदर देन थिंकिंग अबाउट कि पेपर निकलेगा, एंजाइटी होगी, एंजाइटी नहीं होगी। अभी जब तक मैंने एंजाइटी शब्द नहीं बोला था तब तक आप नहीं सोच रहे थे। सी हम जब तक उस चीज के बारे में सुनते नहीं है, सोचते नहीं है, हम उस चीज पे नहीं जाते। अपना ध्यान भटकाने के लिए सबसे सही तरीका है कि कुछ प्रोडक्टिव ढूंढो। जैसे कि आपने जो भी टू डू लिस्ट में लिखा था आप वो लिस्ट कंप्लीट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये तो एक थोड़ा सा शुरू का ज्ञान था जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। प्लीज़, इट इज़ नॉर्मल टू फील स्केयर्ड, इट इज़ फाइन टू फील स्केयर्ड, बट यू विल गेट बैक एंड यू विल डू मच मच बेटर इन लाइफ, ओके। आपको हर एग्ज़ाम में डर लगता है बट आप फिर भी एग्ज़ाम अच्छा करके आते हो, मतलब मेरे हिसाब से तो आप अच्छा ही करके आते हो, ठीक है। चलिए, नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट मंथ्स स्ट्रैटेजी। मंथ मतलब लास्ट 3 वीक्स, तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आई एम श्योर आपने कुछ मॉक टेस्ट दिए होंगे, सर्टेन मॉक टेस्ट मस्ट हैव बीन अटेम्प्टेड बाय यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पिकअप ऑल दोज मॉक्स, आप वो सारे के सारे मॉक्स को उठा लो और उन मॉक्स को देखो कि आपने उनमें क्या क्या गलतियाँ की थी। आप अपनी मॉक कॉपी उठा लो, आपने उनमें क्या क्या गलतियाँ की थी, एंड रिवाइज योर मॉक्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपने जो फर्स्ट मॉक दिया होगा पहले आप भूल गए होंगे, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट इट कि आपने क्या दिया था, वो क्वेश्चन भी क्या पूछे गए थे। तो मॉक्स इज द बेस्ट वे टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। मॉक्स से काफ़ी बेहतर रिविजन होता है, काफ़ी अच्छा रिविजन होता है। तो जितने भी आपने मॉक्स दिए, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 35, 36, 40, जितने भी मॉक्स दिए सब उठा लो और अब बैठ के आपको उन सबको रिवाइज करना है, ठीक है। सेकेंडली, मैं
यूजुअली ये मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आते, जैसे कि बहुत बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट होता है मैथ्स, ठीक है। तो अगर आपको इतने टाइम में मैथ्स बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा, अगर मैं इतने टाइम में मैं बोल रही हूँ 6-7 महीने से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप 2-3 से कर रहे हो या 1 से भी कर रहे हो तो अभी भी इम्प्रूवमेंट का टाइम है, बट अगर आप 6-7 महीने से अगर मैथ्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप उसके पीछे बहुत मत भागो, क्योंकि उस चक्कर में क्या होगा, जितना टाइम आप अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथ करने में लगा सकते थे वो कट जाएगा, वो कम हो जाएगा, और उन चीज़ों पे मेहनत ज़्यादा करने लगोगे जो कि आपकी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका अच्छा नहीं चल रहा है, जिसमें आपके लोएस्ट स्कोर आप कर रहे हो, कंसिस्टेंटली उसमें लोएस्ट स्कोर आ रहे हैं, देखो ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है, आप सब में अच्छा कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, या सब खराब चल रहा है फिर वो अलग अलग इशू है, बट अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कंसिस्टेंटली खराब है, यूजुअली मैथ्स होता है, तो अब उसके पीछे मत भागो। अब आपको क्या करना है, वो जो भी सब्जेक्ट है उनको बस आप मॉक्स के थ्रू ही रिवाइज करो, उनके आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मॉक्स के थ्रू उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करो, क्योंकि अगर उस सेक्शन के पीछे बहुत दौड़ोगे तो आप जिसमें अच्छे हो उसमें भी उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी आप दे सकते थे, ठीक है। थर्डली आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपना 30-day प्लान बना लो, आप बैठ के पहले से प्लान कर लो कि आपको कैसे क्या क्या काम करना है और हाउ इट इज़ गोइंग टू गो अबाउट, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 days का प्लान बना लिया कि मुझे हर वीक में पर वीक आई एम गोइंग टू गिव 3 mocks, 3 mocks काफ़ी है, 3 mocks से ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैक्सिमम आप 9 mocks 8-9 mocks अब आप देने वाले हो, तो 8-9 mocks के आप प्लान बना लो कि आप किस किस दिन बैठ के दोगे। उन मॉक का एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखो मॉक में कितना स्कोर कर रहे हो ये नहीं बताता कि आपकी क्लैट की रैंकिंग क्या होगी, पर अगर आप कभी भी किसी रैंकर से पूछोगे कि उसने मॉक में क्या किया था तो ही विल ऑलवेज सी कि मैं मॉक बैठ के एनालाइज करता था। मॉक का एनालिसिस विल टेक यू टू हाइट्स। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो 50 स्कोर करते थे मॉक में, और जब 200 का पेपर हुआ करता था क्लैट का तो 150 स्कोर किए क्लैट में, क्योंकि वो मॉक एनालाइज करते थे, वो इस चीज़ को नहीं सोचते थे मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज तो मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल भी नहीं देखूंगा, ये सब दोगलापन है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा लगता है उस टाइम पे, बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, आई एम जस्ट किडिंग, बट आप उस चीज़ पे स्टक नहीं रह सकते। हमेशा याद रखो जब आप स्टक हो जाते हो ना तो आप स्टैगनेंट हो जाते हो, और आप स्टैगनेंट हो जाते हो तो आप अच्छा नहीं रहते, पानी स्टैगनेंट हो जाता है तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, आप स्टैगनेंट ही रह सकते, हो गया मॉक खराब, अब मैं ये देखूंगा कि मैंने इसमें क्या क्या गलती करी, अगर क्लैट में सेम क्वेश्चन आ गया तो मैं गलती नहीं करने वाला, तो मेरा क्लैट में बच गया, ओ भाई ये सही है, ये आपकी मतलब थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि मॉक के स्कोर क्या है भाई, ये सब क्या, ये चिंतन की दुनिया है दोस्तों। आपको ये ध्यान देना है कि आप उससे कितना सीख रहे हो, आपने जो गलतियां की आप वो दोहराओगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्लैट का स्कोर मैटर करेगा, मॉक में जितने भी आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे ये पूछा जाएगा क्लैट में कितने आए आपका और आपने कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। तो ये याद रखो मॉक क्यों दे रहे हो, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन क्लैट में आ जाए तो दोबारा गलत नहीं करना। कितना दुख होगा, अरे ये मैंने उस टाइम मॉक में भी दिया था पर मैंने एनालाइज ही नहीं किया था तो मुझे याद ही नहीं है इसका आंसर सही क्या है, आप क्लैट में भी वो क्वेश्चन गलत आए कराए, इसलिए मॉक एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देन द मॉक इटसेल्फ, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू मेक योर 30 days प्लान। अब आप इस 30 days को प्लान कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले वो 2 subjects उठाने हैं जो कि आपके सबसे बेस्ट चल रहे हैं फिलहाल, हो सकता है कि आपका CR सबसे अच्छा चल रहा हो और लीगल रीजनिंग सबसे अच्छा चल रहा हो, ठीक है। तो इन 2 subjects के एक एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप डेली करना, क्यों, क्योंकि इससे और स्ट्रेंथन होगा, आपको और टॉपिक समझ में आ जाएंगे, और पुराने मॉक्स तो आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, नए क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पुराने टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे, सॉर्ट हो गया और वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो अगर अभी आप उसमें 40 में से 35 स्कोर कर रहे हो तो हो सकता है वो 37 पहुंच जाए। उसके अलावा जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, वॉट एवर इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर वीकेस्ट सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि उसके कॉन्सेप्ट थोड़ी आप आधे घंटे की पढ़ लिया करो, मतलब हाफ एन आवर यू कैन स्टडी उसकी थ्योरी, ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाए कि इसमें क्या आ रहा है। ये 3 subjects हो गए, बच्चे बीच के 2 subjects, वो जो बीच के 2 subjects हैं
वो आप अपने हिसाब से आप कितना स्कोर कर रहे हो उस पर डिपेंड कर सकता है कि उसको आप कितना, उसमें आप कितना पढ़ना चाहते हो। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि मॉक से आपके क्वेश्चंस तो रिवाइज हो ही जाएंगे, तो उसके साथ साथ आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उससे आप अपने कॉन्सेप्ट से रिवाइज कर लो। सो दिस इज वॉट माई एडवाइस टू यू ऑल इज गोइंग टू बी, दैट नाउ मेक अ टू डू लिस्ट। आपको रोज़ की टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको रोज़ रोज़ क्या करना है। जिस दिन आप मॉक दे रहे हो उस दिन मॉक देने के 5 मिनट बाद उसके मॉक एनालिसिस पे बैठना है। उस दिन आपको अपने पुराना किसी मॉक को उठा के एनालाइज करना है। CA आपको स्पेसिफिकली डेली रिवाइज करना है अब, क्योंकि CA याद नहीं रहता, CA नहीं याद रहता, ठीक है। फोर्थ, आपको ये डर वाली चीज़ मन से निकाल देनी है, क्योंकि बेटा अगर आप अपने साथ नहीं दोगे तो आपका साथ कोई और नहीं देगा। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर, अपने बारे में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इज टू बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। टू नो कि आपने इतनी मेहनत करी है तो भगवान आपको उसका अच्छा फल जरूर देंगे, ठीक है। एंड आई एम अ बिग 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 बिलीवर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरी लाइफ जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव किया है। मैंने NLIU निकाला, GNLU निकाला, मैंने UGC नेट क्लियर किया, मैंने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है यहाँ तक कि मेरी फैमिली, इज बिकॉज आई बिलीव दैट थिंग्स विल हैपन टू यू इफ यू बिलीव इन दैम। मतलब इट, यू हैव टू अट्रैक्ट द गुड फॉर द गुड टू कम टू यू। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते क्रिप करके आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है आज, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मतलब आप ये अगर सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि मैम आप सही कह रहे हो। एक स्टोरी थी जो ये कहती है कि आप एक बंदे के घर गिफ्ट देने के लिए जाते हो, ठीक है। वो बंदा बोलता है यार ये क्यों ले आया, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था, दिमाग खराब है क्या तेरा। आपने सोचा यार अच्छा ठीक है सॉरी गलती होगी, आपने पैसे खर्च किए थे, आपने मेहनत करके गर्मी में गए थे गिफ्ट लेने के लिए और उसने ऐसे मना कर दिया, आपको बुरा लगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त है आपका। आप दूसरे ही बार गए, दूसरे बर्थडे पे गए गिफ्ट देने के लिए, उसने उस बार भी बोला तू पिछली बार भी यही बेकार चीज़ ले आया था, इस बार भी बेकार चीज़ ले आया, तेरे को शर्म नहीं आती क्या भाई, तू कैसा दोस्त है यार, तेरे को कुछ नहीं पता। और फिर उसने आपको, आपके मुँह पर गेट बंद कर दिया, फिर वो चला गया और आप भी चले गए, आपको फिर बुरा लगा कि अरे यार। तीसरी बार भी सेम चीज़ हुई, क्या आप उसके यहाँ बार बार आप गिफ्ट देने जाओगे, नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है कि भाई ही इज़ नेवर ग्रेटफुल इन लाइफ, कुछ भी कर लो ये तो ग्रेटफुल नहीं होता। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जब आपको लाइफ में यूनिवर्स कोई अच्छी चीज़ देता है और आप ये बोल देते हो ये क्या हो गया यार, इससे तो अच्छा मेरी AIR 1 आ जाती, AIR 10, ये कोई रैंक होती है बताओ, तो यूनिवर्स को लगता है भाई इस बंदे के लिए मैं कितना ही कर लूं, ये कभी कुछ नहीं होगा। और अगर आप किसी, आपके लिए कोई गिफ्ट लाए और आप उसको बोले भाई वेरी वेरी थैंक यू यार, तू बेस्ट है यार, तुझसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, तू जिंदगी है, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए जान दे दूँगा, वो बंदा सोचेगा यार कितना काइंड पर्सन है, इसलिए मेरे को इतना अच्छा बोला, तो वो आपके लिए फिर गिफ्ट लाए। हो सकता है लाए ना लाए, पर उसके दिल में एक अच्छी भावना होगी आपको लेके, है ना। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल दैट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी everything दैट आई हैव इन माई लाइफ। आई कैन वॉक, आई कैन ईट, आई हैव सो मैनी गुड थिंग्स, आई गो टू अ गुड स्कूल, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ अफोर्ड करते हैं, मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पढ़ने को मिल रहा है, मुझे स्कूल में ये प्राइस मिला है, ये जो भी मिलता है, एनीथिंग दैट यू गेट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। You are grateful for it, you will keep getting those things, bigger things. You have to keep thinking कि यार मैं अचीव कर सकता। आपको कभी भी ये नहीं बोलना मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा यार, मैं क्यों नहीं अचीव कर पाऊंगा यार, आपको बोलना मैं क्यों नहीं अचीव कर पाऊंगा यार, मैं ही करूंगा। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव दैट फेथ कि द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्रिंग इट अप टू यू। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी बड़े लोग बनेंगे, कोई सोचता थोड़ी है, कोई पैदा थोड़ी होता है इस थॉट के साथ, बट देन दे डू इट एंड सो शैल यू। So keep preparing for the examination. Thank you so much guys and I will see you in the next class. And thank you. Class ko like kar dijiyega, share kar dijiyega and subscribe bhi kar lijiyega. Thank you. Aur agar aapne koi bhi plus option lena chahte hai ya iconic lena chahte hai to aap Kriti V Gold se 10% discount ke liye. Bye.